सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के चाहे लाख दावे क्यों ना करे, लेकिन हकीकत में शिक्षा बेहतर को लेकर किए जा रहे बड़े बड़े दावे फेल साबित हो रहे हैं। सिरमौर के पंचायत सतौन राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एक साल से बायो के अध्यापक के लिए तरस रहा है। यहाँ छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी हो रही है। छात्रों का कहना है कि पिछले साल से बायो के अध्यापक ना होने से उनकी पढ़ाई अधर में लटक गई है, जबकि छात्र छात्राएं प्रधानाचार्य से कई बार इस मुखाल पर बात कर चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन बायो के शिक्षक की आज तक तैनाती नहीं की गई है। यहाँ पे सर स्कूल में जो समस्या चल रही है, समस्या यहाँ पर जो है तो बायोलॉजी की पोस्ट पिछले अगस्त से खाली है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो सरकार से जो है मेरा अनुरोध है कि यह पोस्ट जल्दी फिल की जाए ताकि बच्चे जो है अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकें। उधर रामपुर खंड विकास अधिकारी पर अश्लीलता का आरोप लगा है। अब बीडीओ के बचाव में रामपुर का पंचायत परिषद खड़ा हो गया है। बीडीओ पर एक महिला पंचायत प्रधान ने संगीन आरोप लगाए हैं। पंचायत परिषद ने बैठक कर कहा, महिला प्रधान के खिलाफ चल रही है 33 लाख के सरकारी धन के दुरुपयोग की जाँच। पंचायत प्रधानों ने SDM रामपुर को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने तकलेच पंचायत प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि तकलेच पंचायत के प्रधान के खिलाफ जांच जारी है। पंचायत परिषद के प्रधान वीरेंद्र भलूनी ने बताया कि तकलेच प्रधान पंचायत के आरोप जो लगे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। आज हमारी पंचायत परिषद की बैठक हुई, जिसमें सबसे पहले मुद्दा ये रहा कि जो पवन ने यहाँ अपनी वीडियो वायरल की, साथ में वीडियो ऑफिस में हंगामा किया, उसका हम विरोध करते हैं कि ऐसी मतलब घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वो जो है हमारे पंचायत परिषद के प्रधानों के लिए और जो है वीडियो के खिलाफ जो है ये ऐसी कार्रवाई करे, क्योंकि वो इस कई घोटालों में सम्मिलित है। पंचायत परिषद के प्रधान गण ने यहाँ मीटिंग रखी थी कि तकलीच पंचायत की प्रधान कुमारी पवना ने जो हम महिलाओं पर जो आरोप लगाए थे कि ये बेचारी भाई बोल नहीं पाती है, तो मैं मीडिया के माध्यम से पवना जी को कहना चाहती हूँ कि 21वीं सदी की महिलाएं हैं और ये दरवाजे के अंदर बंद कमरे में रहने वाली महिला नहीं है, आज़ाद देश में जी रही हैं। आपने जो ये आरोप सरासर निंदनीय है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। पंचायत परिषद की सारी महिलाएँ पुरुष इसका कड़ा विरोध करते हैं। रामपुर में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हूँ और मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत नीरथ में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हूँ और मैं RDD की सेक्रेटरी हूँ और पिछले लगभग 20 वर्षों से मैं इस पद पर कार्यरत हूँ। पिछले एक दो दिनों से जो सोशल मीडिया में जो वीडियोज़ और मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि हमारे जो वर्तमान खंड विकास अधिकारी श्री प्रताप चौहान जी हैं, उनका जो है महिलाओं के प्रति जो व्यवहार है वो सही नहीं है, वे महिलाओं को गलत नज़र से देखते हैं, इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है वो बहुत ही गलत है।